आज हम ऑर्गेनिक काजल सीखेंगे। बहुत आसान है इसे बनाना और ये आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो चलिए अभी हम ऑर्गेनिक काजल बनाना शुरू करते हैं। आज हम घर पर ऑर्गेनिक काजल कैसे बनाते हैं वो सीखने जा रहे हैं। बहुत ही आसान है इसको बनाना और बिल्कुल प्योर होगा घर पर बनाएंगे तो। और उसके लिए हमें जो सामान चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ऑर्गेनिक काजल बनाने के लिए हमें अजवाइन की जरूरत पड़ेगी थोड़ी। ये दो बादाम को हमने ग्रेट कर लिया है, इस तरीके से ग्रेटर से हमने इसको ग्रेट कर लिया है। और ये देसी कपूर आता है, कोई भी ग्रोसरी स्टोर पे आपको मिल जाएगा। ये पूजा वाला कपूर नहीं है, देसी कपूर आता है। और इसका इतना ही टुकड़ा आपको लेना है और इसको हमने पाउडर फॉर्म में कर लिया है। तो हमें थोड़ा सा कपूर चाहिए, कॉटन की बत्ती चाहिए होगी, एक दिया चाहिए होगा। और इसमें डालने के लिए हम ऑयल यूज करेंगे, ये मस्टर्ड ऑयल है और मस्टर्ड ऑयल से हम काजल बनाएंगे। तो चलिए अभी हम काजल बनाना शुरू करते हैं। और उसके लिए हम दिए में सरसों का तेल डालेंगे और इसके अंदर डालने के लिए हम बाती तैयार करेंगे। तो बाती तैयार करने के लिए हम कॉटन लेंगे, उसको हम इस तरीके से थोड़ा फ्लैट करेंगे। और इसके अंदर हम अजवाइन स्प्रेड करेंगे, एक चम्मच के करीब हमने इसमें अजवाइन स्प्रेड कर दी है। ये दो बादाम है जिसको हमने ग्रेट कर लिया है और इसको हम डालेंगे। ये हमने बादाम को डालना है इसके अंदर। और यहां पर हम कपूर डालेंगे, ये हमने कपूर को भी स्प्रेड कर दिया है। अभी इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर देंगे। दिए के अंदर हमने बाती को सेट कर दिया है। अभी हम दो गिलास लेंगे या दो कटोरी लेंगे जो कि दिए से थोड़ी ऊंची हो, दोनों तरफ रखेंगे हम। अभी हम दिए को जलाएंगे। अभी हमें इसके ऊपर कोई भी स्टील की साफ प्लेट लेकर उल्टा करेंगे और ये दिए की लो जो है वो नीचे लगनी चाहिए। तो इस तरीके से हमारी लो जो है वो ऊपर प्लेट को टच होनी चाहिए, जिससे जितना काजल है वो प्लेट के ऊपर आ जाएगा। और जब तक ये दिया जलता है इसको ऐसे ही पड़े रहने देना है हमें, और दो से तीन घंटे लगेंगे हमारा काजल जो है इस तरीके से कलेक्ट हो जाएगा। दो घंटे हो चुके हैं और हमारा दिया अभी बुझ चुका है और प्लेट भी ठंडी हो चुकी है। अभी हम इसको उठाएंगे, ये देखिए बहुत ही अच्छा काजल हमारा कलेक्ट हो गया है। अभी हम इसको इकट्ठा करेंगे, अभी हम इसको धीरे धीरे करके कलेक्ट करेंगे। इस सारे काजल को हम कलेक्ट कर लेंगे और ये हमारा सुरमा बनकर रेडी हो गया है। बहुत ही अच्छा और ऑर्गेनिक काजल तैयार होगा। काजल को अभी इसको साफ कंटेनर में डालेंगे। ये हमने कंटेनर को साफ करके रखा हुआ है, इसके अंदर हम काजल को कलेक्ट करेंगे चम्मच की मदद से। इसके अंदर हम ये हमने कलेक्ट कर लिया है पूरे काजल को एक साफ डिब्बे में। और अभी हम इसके अंदर
कुछ ड्रॉप्स आलमंड ऑयल के डालेंगे। ये मैंने डाबर का आलमंड ऑयल लिया है, इसमें हम धीरे धीरे करके ऑयल ऐड करेंगे। बहुत ज्यादा ऐड नहीं करना, एकदम से थोड़ा सा हमें कुछ बूंदे ही ऐड करनी है। ये हमने 4-5 बूंदे इसमें ऐड की हैं। तो ये हमारा ऑर्गेनिक काजल बनकर रेडी हो गया है। आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है और इसको मैं आपको अप्लाई करके बताती हूँ। एकदम से डेड ब्लैक कलर बना है और बहुत ही स्मूथ है और ये वाटरप्रूफ भी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा काजल वाटरप्रूफ भी है। ये देखिए, पानी से इसका कोई इफेक्ट नहीं होता और लेकिन ये स्मज प्रूफ नहीं है इसे, लेकिन ये स्मज हो जाता है क्योंकि इसके अंदर बीज वैक्स नहीं हमने डाली। अगर हम बीज वैक्स इसमें ऐड कर देंगे तो ये स्मज प्रूफ भी हो जाएगा। ये वाटर प्रूफ है लेकिन ये स्मज प्रूफ नहीं है। लेकिन ये ऑर्गेनिक काजल हमारा आंखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। मुझे उम्मीद है आपको भी ये प्रोसेस पसंद आया होगा। आप जरूर इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस जरूर मेरे साथ शेयर कीजिए।